तो दूसरे राउंड में किसने बजर को दबाया, कौन जीता है और जीतने वाले ने किसको रिमूव किया है कैप्टेंसी की रेस से, चलिए आपको बताते हैं। अभिषेक मलान जो कि अभी अभी कैप्टन बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कैप्टेंसी खतरे में पड़ी क्योंकि ऑफकोर्स वो काफ़ी बोर हो रहे थे और सोने की उन्होंने बात कर दी तो बिग बॉस को भी काफ़ी गुस्सा आया, तो उनकी कैप्टेंसी को खतरे में डाल दिया और बाकी कंटेस्टेंट को भी मौका दे दिया कि वो भी कैप्टन बन सकते हैं, जिसकी वजह से एक टास्क बिग बॉस के घर में हो रहा है। यहाँ पर जाट को छोड़ करके सारे कंटेस्टेंट जो हैं उनमें से कोई एक भी बजर को दबाएगा, 7 राउंड होंगे, जो भी सबसे पहले बजर को दबाएगा उसको मौका यहाँ पर मिलेगा किसी एक कंटेस्टेंट को कैप्टेंसी की रेस से रिमूव करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर अभिषेक मलान ने बजर को दबाया, पहला राउंड हुआ, वो जीते और उन्होंने बेबिका को हटा दिया कैप्टेंसी की रेस से। उसके बाद यहाँ पर दोबारा राउंड होता है, दोबारा राउंड में भी अभिषेक मलहानी जल्दी से बजर को दबाते हैं और दूसरा राउंड भी वही जीत जाते हैं। दूसरे राउंड में उन्होंने साइरस को रिमूव किया है कैप्टेंसी की रेस से क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आलसी हैं, सोते रहते हैं और अपना क्यों ख्याल नहीं करते हैं चीज़ों का, तो वो कैप्टेंसी को कैसे निभा पाएंगे, तो उनको रिमूव कर दिया है साइरस को अभिषेक मलहान ने दूसरे राउंड में। लेकिन रिमूव होने के बाद भी कैप्टेंसी से वो टास्क को खेल सकते हैं, यानी कि बजर को वो दबा सकते हैं जितनी बार भी राउंड होगा। फिलहाल देखते हैं कि कौन कैप्टन बनता है, क्या अभिषेक मलहान के पास कैप्टेंसी बरकरार रहेगी या फिर नहीं, देखना होगा, दिलचस्प। क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।